आज की वीडियो में मैं आपको 578 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो वन से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह मैंने 578 की दो ब्रांचेज बनाई। लेफ़्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, राइट साइड अगर अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो 2 × 2 = 289, 578 हुआ, लेकिन राइट साइड में प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। फिर 17 × 17 289 हुआ, राइट साइड में 17 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज़ हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, इसके लिए आपको लेफ़्ट टू राइट चलना होगा। लेफ़्ट टू राइट चलने के बाद इसमें आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 2 × 2 × 17 578 हुआ, इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। एंड टू टाइम 17 578 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। और अगर आपको 578 की फैक्टर ट्री का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।